बात बुलेटिन की बड़ी खबर से उत्तराखंड की बड़ी खबर आज की स्टिंग ऑपरेशन को लेकर हाईकोर्ट में पीआईएल दायर की गई है। मनन शर्मा ने नैनीताल हाईकोर्ट में दायर की है पीआईएल। दिल्ली के मनन शर्मा ने यह जनहित याचिका दायर की है। हरीश रावत ने किया पद की शपथ का उल्लंघन, इसे पीआईएल में कहा गया है। याचिकाकर्ता ने स्टिंग की सीबीआई और एसआईटी से जांच कराने की मांग की है। मामले में हाईकोर्ट में कल होगी सुनवाई। तो बड़ी खबर, अहम खबर, स्टिंग ऑपरेशन को लेकर पीआईएल दायर की गई हाईकोर्ट में और यह कहा गया है कि हरीश रावत ने अपने पद और परिमा का उल्लंघन किया और ऐसे में उनके खिलाफ एक्शन होना चाहिए, साथ ही सीबीआई जांच हो या फिर एसआईटी से जांच कराना चाहिए। स्टिंग की जांच के लिए भी पीआईएल दायर की गई और सबसे बड़ी बात यह कि कल इस मामले में सुनवाई होगी। मुश्किल में हरीश रावत लगातार, हाईकोर्ट में कल होगी जब सुनवाई, तो इस बात को जरूर ध्यान में अदालत रखेगी। अपने पद का दुरुपयोग किया, जो शपथ ली उसका दुरुपयोग किया और सबसे बड़ी बात यह कि इस स्टिंग ऑपरेशन को लेकर के हरीश रावत की जिस तरह की भूमिका थी पूरे देश ने देखा, कई सवाल खड़े किए और अब मामला हाईकोर्ट में। दिल्ली के मनन शर्मा ने दायर की है यह जनहित याचिका। मनन शर्मा ने नैनीताल हाईकोर्ट में दायर की है पीआईएल और कहा है कि हरीश रावत ने अपने पद की शपथ का उल्लंघन किया है। जो उन्होंने सीएम पद की शपथ ली उसका उल्लंघन किया, शर्मसार कर दिया पूरे राज्य को और ऐसे में सीबीआई जांच होनी चाहिए स्टिंग की और सबसे बड़ी बात यह तो सोसाइटी से जांच हो और उसके बाद ही कड़ी से कड़ी कार्रवाई हरीश रावत के खिलाफ होनी चाहिए। फिलहाल अदालत में याचिका पहुंच चुकी है और कल इस पर सुनवाई होगी। बड़ी खबर उत्तराखंड से, स्टिंग ऑपरेशन को लेकर के पीआईएल दायर की गई है। गौरव जोशी हमारे संवाददाता इस वक्त जुड़ चुके हैं। गौरव, क्या कहा गया है इस पीआईएल में? ये मनन शर्मा दिल्ली निवासी हैं, इन्होंने नैनीताल उच्च न्यायालय में एक जनहित याचिका दायर की है जिसमें कहा कि ये जो सीएम की स्टिंग ऑपरेशन सामने आया है इसकी सीबीआई जांच की जाए, साथ साथ इसमें एसआईटी गठित की जाए और इसमें मामला कल के लिए न्यायालय ने सुनवाई के लिए रखा है। शुक्रिया आपका गौरव जोशी इस जानकारी के लिए। हरीश रावत ने पद की शपथ का उल्लंघन किया, याचिकाकर्ता ने स्टिंग की सीबीआई और एसआईटी से जांच कराने की मांग की है और इस पूरे मामले में मुश्किल में हरीश रावत एक के बाद एक फिरते चले जा रहे हैं। और याचिकाकर्ता के वकील अजय जी हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। अजय जी, एक पीआईएल दायर की गई है और जाहिर तौर पर किस तरह की मांग की गई है इस पीआईएल के जरिए? हाँ, ये पीएल जो है कल सुनवाई पे आएगी जी, माननीय उच्च न्यायालय में हियरिंग के लिए कल आएगी हियरिंग पे जी। आपकी तरफ से किस तरह की कोशिश होगी जी? नहीं देखिए, हमने याचिकाकर्ता ने इसमें मामला उठाया है जी, प्रकरण को लेकर मामला उठाया है। अभी मामला माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष है, डिवीजन बेंच के, तो अभी उस पर कोई कमेंट करना अभी ठीक नहीं होगा क्योंकि हमने अपनी पेटिशन फाइल कर दी है, तो अभी जो भी आर्गुमेंट होगा और जो भी निर्णय आएगा हम आपको अवगत कराएंगे जी। अजय जी, कुलदीप साहब, जो आपका आधार होगा इस याचिकाकर्ता के जरिए, किस तरह की मांग आप कर रहे हैं और आपको क्या लगता है, क्योंकि आप याचिकाकर्ता के वकील हैं? हाँ हाँ, देखिए, हमने याचिका में यही मांग उठाई है कि कोई भी इलीगलिटी हुई है तो उसमें प्रॉपर एक्शन जो है कंसर्न अथॉरिटीज को करना है, वही डिमांड की गई है जी। शुक्रिया आपका आज अजय कुंडीर साहब, याचिकाकर्ता के वकील हमारे साथ जुड़े हुए थे। मामले में अब हाईकोर्ट में कल सुनवाई होगी और खुद अजय कुंडीर साहब कह रहे हैं कि जो उल्लंघन किया है अपने पद का, जो शपथ उन्होंने ली है उसके बाहर जाकर के जिस तरह से उन्होंने कृत्य किया है और पूरे राज्य को शर्मसार किया है, देश के लोग हैरान रहे हैं और ऐसे में फिलहाल ये याचिका पहुंची है अदालत में, कल इस पर सुनवाई होगी। सूबे की सियासत अस्थिरता के भंवर में फंसी है। हरीश रावत पूरी सिद्धत से कुर्सी पाने की जद्दोजहद में लगे हैं पहले दिन से, लेकिन हर बार मौका पास आते ही मुट्ठी में रेत की तरह फिसल जाता है और ऐसे में अब राज्य का भविष्य कोर्ट के फैसले पर टिका है, जिससे लगता है कि यह लड़ाई सुप्रीम कोर्ट से पहले थमने वाली नहीं है। इसे विडंबना नहीं तो और क्या कहें, जिस नवोदित राज्य को विकास के पथ पर अग्रसर होना चाहिए था वो 15 दिनों से सियासी भंवर में फंसा हुआ है। नेताओं की अति महत्वाकांक्षा सब ले डूबी और राज्य का सियासी भविष्य कोर्ट की दहलीज पर जा लटका। अब संभावनाएं भी यही हैं कि कांग्रेस और केंद्र के बीच खेला जाने वाला शहमात का खेल लंबा यानी सुप्रीम कोर्ट तक चलेगा। हालांकि इस सब के बीच वक्त, मौका और उसकी नजाकत पल पल बदल रही हरीश रावत को ऐसे मौके मिले
कि हाथ को आए मगर मुंह को ना आए, यानी हर बार हरीश हाथ मलते रह गए। आपको दिखाते हैं कि हरीश रावत के हाथ आए मौके कैसे मुट्ठी से रेत की तरह दरक गए। 18 मार्च को हुई सरकार गिराने की जोड़ तोड़, राज्यपाल ने दिया 28 मार्च तक बहुमत साबित करने का मौका। सरकार बचाने की जोड़ तोड़ में जुटे हरीश रावत, लेकिन 27 मार्च को ही प्रदेश में लग गया राष्ट्रपति शासन। हरीश को हाई कोर्ट की सिंगल बेंच ने दिया मौका, 31 मार्च को अपना बहुमत साबित करने का फैसला। फिर फ्लोर टेस्ट की तैयारी में जुट गए हरीश, मगर डबल बेंच ने फिर लटकाया मामला। अब फैसले के लिए 6 अप्रैल का इंतजार। हालांकि जानकार कह रहे हैं कि 6 अप्रैल को कोर्ट के फैसले पर जो पक्ष भी संतुष्ट नहीं होगा वो सुप्रीम कोर्ट की राह पकड़ेगा, यानी लड़ाई लंबी है। हालांकि हरीश रावत और कांग्रेस प्रभारी को भरोसा है फैसला उनके ही पक्ष में होगा। जो पार्टी दल बदल पर विश्वास कर रही हो, जनता के मन बदल पर विश्वास न कर रही हो, तो मैं समझता हूँ कि ये सारे डेवलपमेंट कांग्रेस जनों के लिए अच्छे हैं। कहीं भाजपा ने गलती से भी एकाद और कहीं दल बदल हुआ तो अगले विधानसभा में भाजपा का सदस्य खोजना मुश्किल होगा। जो दावे कांग्रेस के हैं वही बीजेपी के भी हैं। बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय कह रहे हैं कि उत्तराखंड को असमंजस में धकेलने वाला कोई और नहीं, हरीश रावत और गुंजवाल है। उत्तराखंड में मुझे समझ में नहीं आया कि मुख्यमंत्री जी की भूमिका, विधानसभा अध्यक्ष की भूमिका, लोकतंत्र और भारत का संविधान, इसको शायद मुख्यमंत्री जी ने भी नहीं समझा, विधानसभा अध्यक्ष जी ने भी नहीं समझा। और इसके कारण है कि संवैधानिक पेचीदगी आई है और एक बहुत बड़ा संवैधानिक संकट यहाँ पर आया था। कुल मिलाकर हरीश के हाथ मौका तो आ रहा है मगर उतनी ही तेजी से फिसल भी रहा है। इस रस्सा कशी पर हरीश रावत यही सोच रहे होंगे, वक्त मुझसे और मैं वक्त से ऐसा रूठा हूँ, काटता हूँ जिन लम्हों को गर्दिशों से निकलने के इंतजार में, वो न जाने क्यों उड़ जाते हैं वक्त की मुट्ठी से कबूतर बनकर। उत्तराखंड की राजनीति अस्थिरता के दौर से गुजर रही है और ये अस्थिरता का दौर अभी और लंबा खींचने की संभावना है। कहा तो ये भी जा रहा है कि अगर 6 अप्रैल को भले ही डबल बेंच कोई फैसला दे दे, लेकिन ये मामला सुप्रीम कोर्ट से पहले जाकर रुकेगा नहीं। ऐसे में देखने वाली बात यह होगी कि क्या प्रदेश में जल्दी स्थिरता आती है या फिर अस्थिरता का दौर ऐसे ही जारी रहता है। कैमरामैन पवन के साथ पंकज पवार, देहरादून समाचार प्लस। उत्तराखंड कांग्रेस के पूर्व बागी विधायक दिल्ली एयरपोर्ट से दून के लिए रवाना हो गए और इस रवानगी से पहले आरक्ष सिंह रावत और विजय बहुगुणा ने समाचार प्लस से खास बातचीत की और कहा कि होली के बाद देवभूमि जाकर अच्छा लग रहा है। उत्तराखंड कांग्रेस के बागी विधायक जा रहे हैं देहरादून हमारे साथ बात करने के लिए, तमाम विधायक और सभी देहरादून जा रहे हैं। हरक सिंह रावत जी हैं, हरक सिंह जी जिस तरीके से आप लोग देहरादून जा रहे हैं, बहुत लंबे वक्त के बाद देवभूमि जा रहे हैं, आपको लगता है कि वाकई जीत की खुशबू है? नहीं नहीं, देखिए बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि हम लोगों ने जिस तरह लड़ाई लड़ी है, कोई व्यक्तिगत लड़ाई नहीं थी, ये एक वसूलों की लड़ाई थी, विकास की लड़ाई थी। और जो भी कदम हमने उठाया बड़ा सोच समझ के उठाया था, क्योंकि हमको जब ही लगा कि कांग्रेस का राष्ट्र नेतृत्व बिल्कुल हमारी बात सुनने के लिए तैयार नहीं है, जिस तरह तमाम हमारी समस्याएं, विशेषकर रुद्रप्रयाग जनपद आपदा प्रभावित जनपद है, और जिस तरह ये ठीक है कि केदारनाथ में कुछ काम हुआ है, लेकिन जिस तरह पूरे रुद्रप्रयाग जिले में, क्योंकि केवल केदारनाथ में काम होने से वहाँ रास्ता बनने से 14 जिलों का ज्यादा विकास किया जा रहा था, लेकिन पहले ये अंदेशा था कि अगर आप देहरादून जाएंगे, उत्तराखंड जाएंगे तो सरकारी मशीनरी परेशान कर सकती है। अब आपको लगता है कि राष्ट्रपति शासन के बाद देवभूमि में कोई खतरा नहीं है किसी तरह? देखिये हम लोग, देखिये जब कोई, हम लोग राजनीतिक लोग हैं, जब कोई कदम उठाते हैं और राजनीति में ये संभावना हमेशा रहती है कि संघर्ष होगा, लोग परेशान करेंगे, ये सारी चीजें मुकदमे दर्ज होते हैं। मैं तो बचपन से ही लेकर संघर्ष से निकला हूं
और मैं इन सब चीजों को वसूल अच्छा होना चाहिए, उद्देश्य अच्छा होना चाहिए और इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, हम डरने वाले लोगों में से नहीं। सुनवाई भी है, क्या उम्मीद है आपको कोर्ट से? देखिए, हम न्यायपालिका पर हमको पूरा भरोसा है और हमें पूरा भरोसा है कि न्यायपालिका हमको न्याय मिलेगा और ये हमें पूरा भरोसा है। बिल्कुल, न्यायपालिका पे पूरा भरोसा है, तमाम विधायक जा रहे हैं, हमने कुछ और विधायकों से बात की, हमारे साथ विजय भगोड़ा जी भी होंगे, हम उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे कि वाकई स्थिति किस तरीके की बन रही है। अगर कानूनी पहलुओं की बात की जाए तो भगोड़ा जी हमारे साथ हैं। भगोड़ा जी, कल सुनवाई है एकल बेंच में, आपको क्या उम्मीद है कि जिस तरीके से पहले स्टे मिला इस बार भी स्टे मिल जाएगा, जैसे डिविजन बेंच से भी आपको जीत मिली? क्योंकि राष्ट्रपति शासन लगा है और विधानसभा स्थगित है, इसलिए स्टे मिले ना मिले उसका कोई महत्व नहीं है, लेकिन जो हमारी याचिका है जिसमें हमने चुनौती दी है विधानसभा अध्यक्ष के आदेश की, उस पर बहस होगी गुणदोष पे। सर, आप खुद कानून के जानकार हैं, क्या लगता है आपको किस तरह की दलील आपकी तरफ से रखी जाएगी? जब राष्ट्रपति शासन लग गया उसके बाद स्पीकर को अधिकार नहीं था कि वो आदेश पारित करते। बिल्कुल, स्पीकर को अधिकार नहीं था क्योंकि 1:10 पे राष्ट्रपति शासन लग गया था, 2:30 स्पीकर ने आदेश पारित किया। ये मेन वो सिफारिश होगी, वो दलील होगी जो रखी जाएगी बाकी विधायकों की तरफ से, और इन्हें उम्मीद है कि इस तरीके से डिवीजन बेंच से स्टे मिल गया वैसे हो सकता है सदस्यता को लेकर कल एकल खंडपीठ से भी नैनीताल हाईकोर्ट से स्टे मिल जाए। बहरहाल दिल्ली से तमाम विधायक रवाना हो गए हैं, 9 के 9 विधायक रवाना हो गए और देवभूमि होली के बाद अच्छा वक्त गुजार के जो दिल्ली और जयपुर में बिताया गया उसके बाद होली के बाद पहुंच रहे हैं और उन्हें उम्मीद है कि राष्ट्रपति शासन है लिहाजा हरीश रावत और उनके सहयोगी उन्हें परेशान नहीं कर पाएंगे। इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट से कैमरामैन विनोद चौधरी के साथ राहुल डबास, समाचार प्लस के लिए। और वहीं कांग्रेस आतुर है कि हर हाल में सत्ता बचा ली जाए और इसको लेकर कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी अंबिका सोनी न केवल पूर्व विधायकों के साथ मंथन में जुटी हुई है बल्कि पार्टी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं के साथ भी गुफ्तगू का दौर चल रहा है। हालांकि दरवाजे लगभग बंद नजर आ रहे हैं, इसलिए अंबिका सोनी भी साफ कह रहे हैं कि इस पर अभी सोचा नहीं है। वहीं प्रदेश में हरीश रावत की जगह किसी और चेहरे को मौका देने की संभावनाओं को अंबिका सोनी ने खारिज कर दिया है। उनके मुताबिक हरीश रावत हमारे नेता है और नेताओं को बदला नहीं जाता। हम कांग्रेस पार्टी की तरफ से एकजुट होकर लड़ रहे हैं और अपने विधायकों के उत्साह और हिम्मत और एकता को देखकर पूरे पार्टी के कार्यकर्ताओं में जोश है। आप देख रहे हैं आज सुबह एयरपोर्ट पर इन्होंने मिसाल रैली निकाली, जहां जाके मैं दिल्ली में भी हूं, संजय कपूर यहां भी हैं, जिलों से हमें भी फोने आ रही हैं, व्हाट्सएप पर मैसेजेज आ रहे हैं कि ये जो हुआ हम लड़ना चाहते हैं। सूबे में चल रहे सियासी उथल पुथल के बीच फोन टैपिंग मामले ने राज्य का सियासी पारा और चढ़ा दिया है। आरटीआई से फोन टैपिंग का खुलासा होने पर बीजेपी ने पूर्ववर्ती हरीश रावत सरकार पर हमला बोल दिया है। निजता का हनन माने जाने वाले फोन टैपिंग को लेकर देश में कई बार बवंडर मच चुका है और अब यही तूफान देवभूमि में भी उठा है, वो भी तब जबकि राज्य सियासी भंवर में वैसे ही फंसा है। दरअसल आरटीआई से ये जानकारी सामने आई है कि उत्तराखंड एसटीएफ ने जून 2015 से अब तक 378 फोन टैप किए हैं। जानकारी ये भी मिली है कि जून 2015 से पहले के फोन टैपिंग की जो भी जानकारी रही उसे नष्ट कर दिया गया। बस फिर क्या था, बीजेपी इस मामले को लेकर पूर्ववर्ती हरीश रावत सरकार पर हमलावर हो गई है। बीजेपी नेताओं का कहना है कि राजनीतिक षड्यंत्र के तहत नेताओं और उनसे जुड़े लोगों के फोन टैप कराए गए जिसकी जांच होनी चाहिए। रिलायबल सोर्सेज से हमें मालूम पड़ा कि यदि इसमें फुल स्केल इंक्वायरी हो जाए तो टैपिंग में जो गैजेट इस्तेमाल हुए हैं उनकी तमाम सारी फॉरेंसिक जांच होती है, उसके हार्ड डिस्क की जांच होती है, तो जिन लोगों की टैपिंग हुई है उसमें राजनेता भी हैं। बीजेपी ने वार किया है तो पलटवार हरीश रावत की तरफ से भी हुआ है। हरीश रावत का कहना है कि वो फोन टैपिंग नहीं कर रहे बल्कि बीजेपी के इशारों पर उनके फोन टैप कराए जा रहे हैं। किसी ने भी करवाए हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए और मेरा तो आरोप है आज भारतीय जनता पार्टी के ये संक्षिप्त से काल में मेरा कोई टेलीफोन इस समय ऐसा नहीं है जिसकी जो सर्विलांस में नहीं लगाया गया है।
कुल मिलाकर राज्य में पनपे सियासी संकट के बीच आरोप प्रत्यारोपों की भी जमकर सियासत हो रही है, क्योंकि नेता जानते हैं इस सियासी संकट का भविष्य जो हो जाना सबको जनता की चौखट पर ही है। लिहाजा आने वाले दिनों में ये जुबानी जंग और तेज होने वाली है। उत्तराखंड में चंद्रकांता संतति की तरह चल रहे सियासी नाटक की पटकथा में फोन टैपिंग ने साजिश का एक और अध्याय जोड़ दिया है। देखना होगा कि राजनीतिक कोलाहल के बीच इस षड्यंत्र की हकीकत सामने आ पाती है या नहीं। कैमरामैन इलियास के साथ मैं प्रशांत राय, समाचार प्लस, देहरादून। और जब राज्य पर पूरी तरह सियासी संकट के बादल छा गए, तब जाकर नेताओं को असल मुद्दों की याद आई है। नेताओं को अब लग रहा है कि राज्य में विकास को सुदूर है। काशीपुर से बीजेपी के पूर्व विधायक चीमा कहते हैं कि पहाड़ों से पलायन जारी है, जिसकी सुध किसी भी सरकार ने नहीं ली। तो वही कांग्रेस के पूर्व बागी विधायक तो ऐसे हालात का ठीकरा जनता पर फोड़ रहे हैं। उनका कहना है कि पहाड़ों का विकास तभी संभव होगा जब राज्य की जनता किसी भी दल को पूर्ण बहुमत दे। भ्रष्ट सरकार चलती रहे और ये सोचा जाए कि प्रदेश विकास करेगा, प्रदेश के अंदर स्थायित्व होगा, वो नहीं हो। जब केंद्रीयकरण सत्ता का हो जाता है, कुछ लोगों के चंद मुट्ठियों में जो सत्ता आ जाती है, वो सोचेंगे कि भाई सबको साथ लेकर सबका विकास होगा तो वही सही सरकार होगी। जिसलिए ये प्रदेश बना था, वो स्वरूप प्रदेश का अभी तक नहीं बन पाया है। जितना विकास पर्वतीय क्षेत्र का होना चाहिए था, उसका कुछ हिस्सा भी नहीं हो पाया है। इसका सीधा साधा साफ सबूत है कि पर्वतीय क्षेत्र से भारी संख्या में पलायन। और खबर हल्द्वानी से, जहां के गौरा पहाड़ इलाके में एक छठी कक्षा की छात्रा के अचानक गायब होने से हड़कंप मच गया है, जिसके बाद पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। अचानक बच्ची के गायब होने से लोगों में आक्रोश है और बच्ची की बरामदगी के लिए 2 बार हाईवे को जाम भी किया। मामला पुल पकड़ता देख पुलिस की पूरी फोर्स बच्ची की खोजबीन में लग गई है। पूरे जिले में नाकेबंदी कर चेकिंग अभियान शुरू कर दिया गया है। दरअसल 12 साल की नाबालिग छात्रा सुबह 7 बजे अपने घर से थोड़ी दूर दूध लेने गई थी और वापस नहीं आई। इसके बाद जब परिजनों ने तलाश की जारी की तो एक सुनसान गली में बच्ची के कपड़े और दूध का डब्बा पड़ा मिला। फिलहाल अभी तक लापता बच्ची का कुछ पता नहीं चल पाया है। पुलिस क्षेत्राधिकारी का कहना है कि मामले को गंभीरता से लेते हुए पुलिस खोजबीन में जुटी है और जल्द ही बच्ची को ढूंढ लिया जाएगा। बढ़ते हैं कि भारतीय सुदूर संवेदन संस्थान देहरादून के छात्र इन दिनों उत्तरकाशी के दयारा बुग्याल में एडवेंचर ट्रैकिंग का मजा ले रहे हैं। कुदरत के इतने करीब पहुंचकर जहां छात्र बेहद खुश हैं, वहीं उन्हें मलाल इस बात का भी है कि सरकार इस जगह को सुविधा संपन्न नहीं बना पाई। छात्रों का कहना है कि दयारा बुग्याल में दिशा सूचक प्रणाली के साथ साथ कई जरूरी सुविधाओं का भी अभाव है, जिस पर सरकार को ध्यान देना चाहिए। दयारा बुग्याल दून के छात्र पहुंचे हैं और बेहद ही खूबसूरत यहां की वादियां हैं, बर्फीली वादियों में ट्रैकिंग का मजा भी ले रहे हैं, लेकिन थोड़े निराश भी हैं इस बात को लेकर कि सुविधाएं वो जरूरी होनी चाहिए वो नहीं है। और ऐसे में उन्होंने मांग की है कि दयारा बुग्याल को विकसित करने के लिए और यहां पर इसे प्रमोट करने के लिए तमाम कदम उठाए जाने चाहिए। हम लोग इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रिमोट सेंसिंग के स्टूडेंट्स ऐसा है, हम लोगों ने बहुत पहले से प्लान बना रखा था कि हम लोग ट्रैकिंग के लिए जाएंगे। दायरा बुग्याल का नाम सबसे टॉप पर था, फिर हम लोगों ने जब प्लान करा था हम लोगों ने वास्तु से स्टार्ट किया और जैसा हमने सुना था तब हमारे हम लोगों ने सपनों में कभी सोचा था कि हम वहाँ पे स्नोफॉल देखेंगे, तो प्लानिंग हम लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तराखंड और पूरे देश को एक बड़ा तोहफा दिया है। जहां पीएम मोदी ने एशिया की सबसे बड़ी दूरबीन का उद्घाटन कर दिया, खास बात यह है कि इस दूरबीन का प्रधानमंत्री मोदी ने बेल्जियम से बटन दबाकर शुभारंभ किया। हम आपको बता दें कि 2450 मीटर की ऊंचाई पर स्थित देवस्थल में वर्ष 2007 में इस दूरबीन को लगाने का काम शुरू हुआ था। 3.6 मीटर व्यास के दूरबीन 360 डिग्री के कोण पर घूमकर किसी भी बिंदु पर स्थिर होकर आकाश का विस्तृत अध्ययन करने के लिए तैयार है और इस दूरबीन की स्थापना में जर्मनी, रूस और बेल्जियम का बहुत बड़ा योगदान रहा है। इसके लेंस को तैयार करने में बेल्जियम के वैज्ञानिकों की अहम भूमिका रही है। दूरबीन में 7% अंशदान भी बेल्जियम का है और ये दूरबीन धुंधले नजर आने वाले तारों, नई आकाशगंगाओं और दूरस्थ तारों के समूह के अध्ययन में विशेष रूप से महत्वपूर्ण साबित होगी।